नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में। आज हम राजस्थान के वन स्थिति की रिपोर्ट 2018 के बारे 18 में जो आंकड़े वनों के स्थिति के दिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में कुल कितने वन क्षेत्र हैं, कितने आरक्षित वन क्षेत्र हैं, कितने अभिलेखित वन क्षेत्र हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने परसेंट है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, और केंद्रीय मंत्री जो है वह है महेश शर्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुल वन क्षेत्र की, ठीक है, जो है वर्ग किलोमीटर में, और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की जो है परसेंटेज में। अब देखिए, राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र जो है वो है 16,572 वन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है, और जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर सघन वन क्षेत्र की, तो वो है 78 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सामान्य वन क्षेत्र 4,340 वर्ग किलोमीटर है और खुले वन क्षेत्र है 12,154, ठीक है। तो ये बात हुई वन क्षेत्र की, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत और भौगोलिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं वन, और उनका कितना वर्ग किलोमीटर में वो फैले हुए हैं, ये हो गई वन क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं अभिलेखित वन क्षेत्रों की। अभिलेखित वन क्षेत्र जो राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, 32,737 वर्ग किलोमीटर में अभिलेखित वन फैले हुए हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है, ठीक है। अब आरक्षित वन क्षेत्र जो हैं वो 38.11% हैं, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्षेत्र 55.64% रहा है। तो ये हो गया राजस्थान के अभिलेखित वन क्षेत्रों की बात। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुल वन आवरण और वृक्षावरण के क्षेत्रफल की। यह 24,838 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्र, वनावरण और वृक्षावरण का। और जो भारत के जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 7.26% है, और राजस्थान भारत के वन एंड वृक्षावरण का 3.10% है, ठीक है। प्रदेश में जो वन क्षेत्र हैं वह वर्ष 2015 की तुलना में 466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 2015 की तुलना में 466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण 0.04 हेक्टेयर है। अब राजस्थान का हरित क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का जो हरित क्षेत्रफल है 468 वर्ग किलोमीटर है, 468 वर्ग किलोमीटर का हरित क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के सर्वाधिक वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों की। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं, सबसे पहला है उदयपुर, जो है 2,768 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और उदयपुर का भौगोलिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक 23.58% है। अलवर का 1,197 किलो वर्ग किलोमीटर है, प्रतापगढ़ का 1,044 वर्ग किलोमीटर है, और बारा का 1,013 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र इन जिलों का है। और सिरोही और करौली का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 17.80%
और करौली का है 15.75%। तो ये ध्यान रखें आंकड़े। अब हम बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों की। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं चूरू। चूरू है 82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। हनुमानगढ़ जो है उसमें है 90 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्र। जोधपुर में 105 वर्ग किलोमीटर और गंगानगर में 113 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और चूरू जो है 0.59% न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है चूरू का। और जोधपुर का 0.46% न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है। अब नागौर और जैसलमेर की अगर हम बात करें न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो है वो है नागौर का 0.81% और जैसलमेर का 0.82%। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी कोई राय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि किस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।